लहार में विकास खंड स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक राजीव ने सभी को ध्यान योग सूर्य नमस्कार कराया। इस दौरान एसडीएम समेत विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम नवनीत शर्मा ने छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से परिचय कराया। युवा वाहिनी प्रमुख समाज सेवी संजीव नायक एडवोकेट ने अपने उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से छात्राओं को अवगत करवाया और सूर्य नमस्कार के अभ्यास से होने वाले लाभों को छात्र छात्राओं को समझाया है। लाहौर से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण विश्व में युवा दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। ये आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन हम सभी लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करता है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक लगातार काम करते रहो, ये उनका जो सूत्र है वो सूत्र हम सभी लोगों को, युवाओं को अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए और निरंतर रूप से चरैवेति का सिद्धांत अपने जीवन में आत्मसात कर काम करते रहना चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मुझे विद्यालय में आमंत्रित किया गया। यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ बच्चों के द्वारा सूर्य नमस्कार का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया, बच्चों की अच्छी सहभागिता रही। स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श थे और उनके द्वारा जो युवाओं को जो संदेश दिया जाता है, उनका जो ब्रह्म वाक्य है या उनका जो प्रमुख वाक्य है, उत्तिष्ठित जागृति प्राप्य बराने बोधत, यह सभी बच्चों को अंगीकार करना चाहिए और सभी बच्चों को उसको आत्मसात करना चाहिए। यही एक मैसेज देने का प्रयास किया है और सभी के द्वारा अच्छा आयोजन किया उसके